और कल के मुकाबले अभी भीड़ थोड़ी सी कम है यहाँ पे, लेकिन अभी सुबह का वक्त है तो सब लोग आ रहे हैं। संडे है, बहुत सारे लोग बिजी होते हैं और आज बहुत ही उम्दा प्रोग्राम से यहाँ पे नसुदीक्षा साहब भी आने वाले हैं, कुमार विश्वास आने वाले हैं। जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो आज ही है और उनको आज रखना ही था क्योंकि आज संडे है, तो यही सिलसिला अभी चलेगा फिलहाल। तो तो ये है जश्ने रिख्ता, यहाँ पे अभी ममता जोशी साहब का प्रोग्राम चल रहा है और इसके बाद जो है वो मैथिली ठाकुर जी का प्रोग्राम है। काफी बड़े स्केल पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है, वैसे मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे, तो मेरे साथ आइए आप, तो साथ में चलते हैं और कुछ देखने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम आखिर हुआ तो मुकम्मल हो कैसे पाया, इसमें लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पर आए हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है और क्या उर्दू को लेकर, उनकी एक अदब को लेकर एक क्या उनके लिए एक नई चीज़ है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और अगर मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट भी काफ़ी खूबसूरत है, कलर अच्छे दिए गए हैं, कलर अच्छे देने से क्या होगा सेल्फी भी अच्छी आएगी और मैं अब सेल्फी लेने जा रहा हूँ। वह एक्चुअली ये सेल्फी पॉइंट बनाया तो गया है और यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब साहब की पिक्चर लगाई गई है, ये है सेल्फी पॉइंट विद मिर्ज़ा गालिब साहब। काफ़ी ये तो सोच के, बहुत समझ के, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बनाया गया है। और चलो अब आगे चलते हैं कहीं और। इसके अलावा सुखनजार, एक और यहाँ पर जो स्टेज है वो बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है सुखनजार और यहाँ पर भी अभी ये प्रोग्राम हो रहा है। किसका प्रोग्राम है अभी एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में वो शेड्यूल है नहीं, लेकिन आगे जाके अभी देखेंगे कि वो प्रोग्राम है क्या, फिर पता चलेगा। बस यूँ कहें कि चारों तरफ जो है वो अदब, उर्दू, लिटरेचर, इन सब से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं। चार स्टेजेस बनाए गए हैं, चार पंडाल बनाए गए हैं और चारों पे कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है। ये सुखनजार प्रोग्राम है, मतलब स्टेज का नाम है, तो यहाँ आगे चलते हैं। और ये भी एक तरीके का अगर यूँ देखा जाए तो मुशायरा हो रहा है यहाँ पे, और मुशायरा जो है वो ये कौन साहिबा है मुझको नहीं मालूम, मुझसे मत पूछो ना, लेकिन हो रहा है कुछ ना कुछ। सारा प्रोग्राम जो है वो आप देख सकते हैं जश्ने रिख्ता के YouTube चैनल के ऊपर, अभी कुछ दिनों के बाद ये अपलोड हो जाएगा। देखिए मैं पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, पूरा प्रोग्राम को मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ, मैं ग्लिम्स दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे कुछ शायरों के शेर लगाए गए हैं, उनकी पोइट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मिर्ज़ा गालिब साहब की, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सेल्फी पॉइंट भी एक तरीके का बन गया है, जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है और माफ़ी चाहता हूँ नीचे से निकल जाऊँ, जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है यहाँ पे, अगर हम लोग आपको मैं सुनाऊँ, ये इश्क नहीं आशा इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर इसी में दाग दहलवी साहब का है कि हज़ारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। पता नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ ना करूँ और कमाल करूँ, लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता है। खैर, और कैलीग्राफी है उर्दू से रिलेटेड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी दाग दहलवी साहब का एक शेर है, वही जो वहाँ पे लगा हुआ था। और अभी मैं आपको एक स्टॉल पे लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो पुरानी दिल्ली वालों की बातें, ये कुछ ख़ास है। एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता कि पुरानी दिल्ली वालों की बातों में क्या ख़ास है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो इस बात को पता करने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा पुरानी दिल्ली वालों की बातों के स्टॉल पर। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी कैप्स यहाँ पर रखी हुई हैं और सुवेनियर्स हैं, यहाँ पर कोट्स हैं, पिक्चर्स हैं, कैलीग्राफी हो रही है, ये पेंटिंग्स हैं ओल्ड दिल्ली। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, पुराने दिल्ली वालों की बातों का क्या मतलब, ये क्या चीज़ है, ये कोड कहाँ से आया? देखिए, ये कोड इसलिए आया कि जो शाहजहांबाद है, ओल्ड दिल्ली से कहते हैं, उसका एक अपना कल्चर है, एक तहजीब सखावत है जो कि 400 साल से
चली जा रही है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको दोबारा जिंदा करें, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसको दोबारा हाईलाइट करें। यहाँ पेंटिंग्स भी हैं, कुछ मोनोमेंट्स हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं, जो कैलीग्राफी देखिए देख रहे हैं, जो ख़त्म हो चुका है एक फन ये, उसको हमारा मकसद ये कि दोबारा जो जिंदा हो फन जो मर रहा है। संजीव सराफ साहब का इसमें आपको क्या लगता है, क्या योगदान रहा है? साहब इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो एक ज़बान उर्दू है जो लोग कम जानते थे दिल्ली में या हिंदुस्तान में, अब ये पूरी दुनिया के अंदर मैं फेमस हो गई है, सिर्फ उन्हीं की वजह से, रिश्ते की वजह से हुई है। मैं संजीव सराफ साहब का इसलिए मुबारकबाद उनको दूंगा कि इतने बड़े प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इस कैब का क्या मकसद है, ये कहाँ से आई और ये कहाँ की है? ये देखिए कॉन्सेप्ट है, असल जो है टर्किश कैब कहते हैं, मगर जब मिर्ज़ा गालिब आए तो उनका कैब यही था। देखिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब ने यही कैब यूज़ करा था, हाँ तुर्की का, तो जब से शाहजहाँ के ज़माने से चला रहा है ये तुर्की कैब। और इसी दिल्ली पर जो आप कह रहे हैं कि मैं शेर है, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। देखो निगाहे नाज से दिल्ली के नज़ारे, देखो निगाह नाज से दिल्ली के नज़ारे, ये तहजीब की जन्नत है जमुना के किनारे। और अब मैं आपको एक ऐसे स्टॉल पे लेके चलता हूँ जिस स्टॉल का नाम है ज़ुबैर कलम। तो ज़ुबैर कलम के मायने क्या हुए, इसको समझने के लिए हम लोगों को इनसे बात करनी होगी। और वैसे तो अभी सारे लोग बिजी हैं यहाँ पे। जनाब साहब अगर मैं माजरा चाहूँ तो आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अच्छा थोड़ी देर में। तो देखिए मुझे जैसे लग रहा था कि बिजी हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, तो सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब इंसान बिजी होता है कुछ कमाने में तो आर्ट कहीं ना कहीं से मर जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहीं और पे। और ये देखिए जो डिज़ाइन सब बनाई गई है ना, आज मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिनों से 3 दिन से जो ब्लॉग बना रहा था उसमें डिटेल्स में मैंने बात नहीं की थी। ये ब्लॉग शायद थोड़ा सा लंबा भी बन जाए, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रौनक रहती है और सबके अंदर लाइट्स लगाई गई हैं और पेड़ के नीचे हैं, पेड़ में भी लाइट्स हैं काफ़ी सारी, तो अच्छा यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और उस इन्वायरमेंट को संजो कर रखने के लिए जश्न रिश्ता का संजीव सराफ साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। सतीश गुप्ता साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और अब मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो हम लोग आ चुके हैं फूड स्टॉल्स की तरफ। फूड स्टॉल में मैंने आप लोगों को ग्लिम्स दिखाए थे कि यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है, लेकिन हम लोग कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो एक स्पेशल जो कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे वो खाने वो जायका नहीं मिल पाता है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस जायके को पूछें कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से हुआ, यहाँ पे आने का इनका क्या मकसद था और ये किस लिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें खाने की क्या इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ज़हरा ख़ानदानी पकौड़े, अब पकौड़े तो अमूमन मिल ही जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद रस्टिक किचन, रस्टिक किचन में भी आपको चिकन टिक्का मिल जाएगा, यू नो नॉनवेज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके आगे अगर हम लोग चलें तो बिहारी किचन, बिहारी किचन का मतलब यही हुआ कि जाहिर सी बात है कि बिहार से जितने भी ऑथेंटिक फूड्स हैं उसको यहाँ पर लोग लेकर आए हैं। एंड फिर उसके बाद नोमैडिक किचन्स, नोमैडिक किचन्स क्या है मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो इन लोगों ने कुछ डिफरेंट करने की पूरी कोशिश की होगी। फिर मंगला चाट, और मंगला चाट कहाँ का मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अलग अलग तरह के यहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं। पुरानी दिल्ली का जायका अगर हम लोग ले लें, कुरैशी कबाब कॉर्नर ले लें, टुंडे कबाबी ले लें, सौंदेश ले लें, ज़हरा फूड्स के तो इतने स्टॉल हैं भाई यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आधे जो स्टॉल्स हैं वो ज़हरा फूड्स के हैं, बाकी आधों में सारे हैं। तो अच्छा एक हैपनिंग माहौल है। और अभी सुबह सुबह है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। गर्मी इसलिए नहीं हो रही कि भाई चार दिसंबर है तो गर्मी कहाँ से होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी तो यहाँ पे लगी रही है। और एक चीज़ का इंतज़ाम जो यहाँ पे बहुत ख़ास किया गया है कि यहाँ पे पानी यानी कि वाटर जो है वो फ्री रखा गया है, कोई भी आके ले सकता है, और ग्लासेस वगैरह भी यहाँ पे हैं। और अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक फूड स्टॉल का नाम है इल्हाम, और यहाँ पे कुछ हमारी ख़वातीनें हैं जो हम, तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि इल्हाम कहाँ से है, क्या है। खला एक बार अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो आप उसका जवाब दे पाएंगी? आप भी बताइए ना, अरे हिंदी मेरा भी ख़राब है। तो ये इल्हाम क्या है और ये कहाँ से, ये सब अफगानिस्तान का है। इल्हाम एक उसका मतलब है कि कवि जी मुझे स्ट्रॉन्ग। अच्छा मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा क्योंकि आप सही तरीके से जवाब दे पा रही हैं, शायद खाला अभी ठीक से बात नहीं कर पाएंगी। कहाँ से ये आप लोग, कहाँ दिल्ली से ही हैं या क्या? इल्हाम बेसिकली अफगान रिफ्यूजीज वुमन सिंगल मदर्स ग्रुप है जो कि यहाँ पे काम करना शुरू किया है 2015 से और अभी तक काम कर रहे हैं। क्या कुछ ऑथेंटिक फूड्स होते हैं आप लोगों की या ये क्या होता है?
हमने अफगानिस्तान की जो बेस्ट फूड है वही सब लेकर आए हैं सब। इसके बारे में अगर मैं रैप वेज नॉन वेज के बारे में पूछूं तो ये इतना बड़ा रैप तो मैंने वैसे देखा नहीं आज तक, ठीक है, एक साथ कैसे खाया जा सकता है? नहीं, अफगानिस्तान में इससे भी बड़ा होता है तो हमने छोटा बनाया हम लोगों के। अच्छा, आपने अभी इसको छोटा किया हुआ है? हाँ, छोटा किया हुआ है, बहुत बड़ा होता है ये बात। इतना तो होता ही है। अब आप सबको मैं एक बात बताऊँ, देखिए खाना जो है, फूड जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे कल्चर से जुड़ा होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि इल्हाम, तो इल्हाम जो है ये अफगानिस्तान के कुछ सिंगल मदर जितनी है उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया है 2015 से। अगर मैं आपको बात करूं, फूड खाना जो है वो मेरे वालिद ये कहा करते थे कि हम लोग का खाना जो है वो दिल से जाता है, पेट से जाते हुए दिल तक जाता है। तो खाना जिसको पसंद आ गया बाकी सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं कुछ और देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, दिल्ली के बाहर से। सर आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप यहाँ पे भी आए हैं, मैं प्रोग्राम व्लॉग बना रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ यार जी, मेरे को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। नहीं, मैं कुछ बात नहीं करूँगा। आपके दिमाग में क्या पहला वर्ड आया या कि दिमाग में क्या सोच आई जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? यार पहला वर्ड कुछ नहीं था, कुछ अपना पर्सनल रीज़न है। अच्छा, पर्सनल रीज़न के साथ आए हैं? पर्सनल रीज़न की वजह से आए? रीज़न के साथ आया हूँ, वजह से भी आया हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि वो रीज़न क्या है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आने के बाद? एक तो ये पीछे ये जो सब इन्होंने लिखा हुआ है ना चलते हुए जी, इसमें ये बड़ा मज़ेदार है। तुमको ज़रूरी नहीं है कि शेरो शायरी में, शेरो शायरी में इंटरेस्ट है? शेरो शायरी में इंटरेस्ट है? आप नया नया है? अच्छा, नया नया है, नया नया है। कुछ याद है कुछ, कोई शेर, कोई किसी याद नहीं होते अभी, पता नहीं, जिन लोगों को याद हो जाते हैं मैं उनसे बड़ा ही वो इंस्पायर्ड फील करता हूँ, मेरे को याद नहीं होते, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि यहाँ पर आप हैं? सबसे पहला थॉट क्या था वो? मेरे फादर हमेशा से शेर व शायरी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैंने तो बचपन से ही देखा है। अच्छा। किताबें और शेर व शायरी, हालांकि मैंने कल जो यहाँ मुशायरा अटेंड किया मेरी लाइफ का पहला ही था। अच्छा। लेकिन इंस्पिरेशन वहीं से मिली। आपको भी थोड़ा शौक है शेर? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो है वो जीन्स तो वहीं से मिले हैं मेरे फादर से। शेर याद है आपको? शेर तो बहुत है सर, यहाँ पे यही थे। नहीं, यहाँ तो लगे हुए हैं कुछ आपको जी, अपने फादर का या कहीं का या कुछ? नहीं, मेरे फादर का तो ऐसा नहीं है, एक जॉन का शेर था, जॉन एलिया साहब का, जॉन एलिया साहब का, जो उनका बहुत फेवरेट था, पता नहीं शायद मुझे पूरा याद हो कि नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। कर तो लिया था मैंने राह तक इश्क, लेकिन उसने फिर बाहें गले में डाल दी। ये एक शेर था जो जॉन का, जो उनका बेहद पसंदीदा शेर था उनका, जॉन एलिया साहब का एक शेर। और मैं आपको सुनाता हूँ कि यूं ही किसी को अपने शेर नहीं सुनाना चाहिए, पहले उसे शायरी से आजमाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे शेर सबको सुना देते, बाद वो कहता है कि हाँ ये क्या था भैया, तो वही सारी चीज़ें भी होती। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा लर्निंग भी है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपने आप को बिगनर भी नहीं मानती उर्दू की, मैं तो अभी भी बिल्कुल जो है बोलते हैं ना कखा घर से सीख रही हूँ। लेकिन आपने इस जगह पे कदम रख दिया ना, तो अभी आपको बहुत कुछ देखने और समझने का मौका। यहाँ पहली बार आई आज? रेखता में पहली बार आई हूँ, पहली बार जी, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से तो मैं हमेशा देखती रही हूँ रेखता के वीडियोस और किताबें और उनके जर्नल्स। आप हम लोग के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका भी इंटरव्यू उसमें होगा। AMU स्टूडियोज, वो बोले तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो बोले तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू को सीखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप किताबों में जाइए, ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी को सुनिए, आप कभी किसी माहौल में आ जाते हैं ना, किसी कल्चर में भी आ जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हो जाता है। और सर से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछना चाहूँ, आप मैम आपसे भी नहीं, दोनों लोग से ज़रूरी हो जाता है अगर साथ में आ रहे हैं तो, साथ में बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, क्यों आए, क्या मकसद है? पोएम जो है, पोएट्री जो है, उसके जो एक खुद ही पोएट्री जैसा लग रहा है माहौल यहाँ पर। अच्छा, आपके कोई फेवरेट पोएट हैं या कवि हैं या कोई है? सो एकदम जैसा फेवरेट तो मैं बहुत सारे हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, जॉन एलिया साहब हैं। जॉन एलिया साहब को कोई शेर याद है? हाँ, सो जॉन ऐसे एकदम से याद नहीं आएगा जी, जी। तो इनमें से कोई एक पढ़ लेते हैं हम आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये वाला बहुत अच्छा है। हाँ। आज रखे हैं कदम उसने मेरी चौखट पर, आज दहलीज मेरी छत के बराबर हुई है। किसका है पता नहीं, आप नीचे लिखा है सलीम सिद्दीकी साहब का शेर है, और भाई ने अच्छा पढ़ा उसको, कि आज रखे हैं कदम उसने मेरी चौखट पर, आज रखे हैं उस कदम उसने मेरी चौखट पर, आज दहलीज मेरी छत के बराबर हुई। शोएब साहब से अभी मेरी मुलाकात हुई, शोएब साहब जो है नदीम नैयर साहब का एक शेर सुनाना चाहेंगे। वो कह रही है सब कुछ सुकून जैसा है, वो कह रही है सब कुछ सुकून जैसा है, फिर उसकी आँख में क्या है
जो खून जैसा है, और उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी, उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी, उसके जिस्म का मौसम तो जून जैसा है। आप समझ रहे हैं भाई, भाई की जो अंदर से एक चाहत है कि दिसंबर में जून वाला मौसम, तो ये है, ये सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिसंबर में भी जून जैसा मौसम होता है, ये इनका कहने का मकसद कुछ और था, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। और अब हम लोग कुछ लोगों से बात करके पंडाल की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पे अभी मैथिली ठाकुर जी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग हैं। अभी फिलहाल हम लोग देख तो कुछ नहीं पाएंगे, अगर हम लोगों के सामने अगर ये स्क्रीन ना लगी हो, LED ना लगी हो, तो हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, आपके लिए ट्रिब्यूट, इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार हमारे बटाली बंधु जी उनके लिए टैलेंट। और मैथिली ठाकुर और उनके दोनों भाइयों ने क्या समा बांध दिया है, इस बारे में आगे जितनी कहा, जितना भी कुछ कहा जाए वो सब कम है। तो ये मैथिली ठाकुर का प्रोग्राम हो रहा था, आशुतोष कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत ही शानदार, इस उम्र में जो मैथिली ने अपने आप को अचीव कर दिया ना, वो तरह से वो स्टेज पे प्रेजेंट करती है, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। मैं तो यूँ कहूँगा कि उनका फ्यूचर एकदम बिल्कुल ब्राइट है, उसको बहुत बहुत बस वो प्रैक्टिस करती रहे और परफॉर्म करती रहे और कुछ नहीं है। बढ़िया, मुसलमानों समझ लो, समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू रगों में शिवाजी का रक्त बाकी है, और दोनों तरफ पढ़ने वाले भी जाहिल थे और सुनने वाले भी जाहिल थे। किया जा रहा है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इस धारणा को तोड़ने में आपका कवि, आप जैसा कविराज क्या कर सकता है? देखिए साहब, मैं ना गाय पालता हूँ, तो मेरी गाय जब उसमें खेत में छोड़ दी जाती है तो वहाँ भांग के पौधे उगे हुए हैं, वो उन्हें खाती नहीं है, वो घास खा लेती है, भांग का पौधा छोड़ देती है। जानवर में इतनी तमीज है तो इनमें क्यों नहीं होनी चाहिए? कि क्या जो रुके तो कोहे गरा से, हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और अभी हमारे साथ में है बादल भैया, बादल शर्मा कह सकते हैं आप मुझे, बादल भैया भी कह सकते हैं, इनकी दाढ़ी के सफेद बाल देख के बादल भैया तो नहीं बोलना बनता है इनका, मुझे मैं बोलूंगा भैया इन्हें ऐसे मेरे। लेकिन भाई वो आपका प्रोग्राम जो था ना, इतना हिट था वो, और उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक दो मैंने एक ही डाला, कंटेंट डालते नहीं, मेरी दुकान चल गई ना वो भाई, फोटो मेरे साथ अहमद भाई है, नाम हो गए इन्होंने फिर से मुझे शोहरत मतलब ढूंढ के मुझे याद दिलाया कि मुझे कुछ लोग अभी भी जानते हैं। अच्छा बोलने वाला कहीं से भी अच्छा बोल रहा है, फुल मोटिवेटेड घूम रहा हूँ आज मैं रेखता में, क्योंकि मुझे भाई मिल गए। तो अभी कुमार विश्वास साहब का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे शाम को ऋचा शर्मा जी का भी प्रोग्राम है, और इसके अलावा अभी नसरुद्दीन शाह साहब का भी प्रोग्राम यहाँ पे होगा, और फिलहाल अभी तो हम टहल रहे हैं और चाय पीने जा रहे हैं, और बाकी देखते हैं कि क्या और मिलता है यहाँ पे। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब लोग बहुत झिझकते हैं एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे के ख्याल जानने से, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर आने के बाद आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि यहाँ पर जब आए हैं आप, तो आपको सीखने को समझने को बहुत कुछ मिलेगा, और इस भीड़ के साथ शामिल हो जाइए और इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें देखने को समझने को मिलेंगी जो आप किसी भी और महफिल में नहीं पा सकते हैं।
तो अभी हमारे साथ में श्रीकांत जी हैं। श्रीकांत जी को कौन नहीं जानता। क्या कहना चाहेंगे इस जश्न रखने के प्रोग्राम के बारे में, क्या कैसा लगा यहाँ पर आके? देखिए मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। एक कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ जो हो रही हैं उनको देख के ये लग रहा है कि इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी चीज़ों को धरोहर को संजो के रखा जा रहा है। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है उसको कम से कम हमारी भाषाओं के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो उससे रूबरू कराने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हमारे साथ फूड ब्लॉगिंग के कह सकते हैं कि सलमान खान या ये कोई तो एक नाम हम आपको दे सकते हैं। बोल के निपट जाएंगे, मैं बताऊंगा हकीकत क्या है। जी बोलिए। मोहम्मद यहिया साहब हमारे साथ में मौजूद हैं और फूड इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के थ्रू। यहिया साहब मुझे एक बात बताइए कि जश्न रखता में आपको क्या लग रहा है कि फूड स्टॉल में सबसे अच्छा स्टॉल कौन सा हो सकता है? देखिए सबसे अच्छा खाना कभी भी किसी का नहीं होता, बहुत सारे खाने बहुत सारे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। दूसरी बात खाने के बारे में ये है कि खाना जब इंसान बनाता है ना तो वो जज्बात मसाले ये सब कुछ डालता है, तो वो किसी के भी ख़राब नहीं होते, सबके अच्छे होते। अच्छा खाना अच्छा तो चलिए ठीक है, अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा और बुरे की मालूम होती कैसे? ज़बान बताती है। ये ज़बान का जायका आया कहाँ से आपका? कई बार ये और कब से? तो कई बार ये कहता हूँ कि सब कुछ देख लिया, सारा खाना किचन जी लिया, अब जायका ज़बान बताएगी, तो ये यही बताती है भाई। बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, और आप देख सकते हैं जो उर्दू का तमाशा है। सही है। ये रहा जश्न रिफ्ता का आज तीसरा और आखिरी दिन और यहाँ पे जश्न रफ्ता का सिलसिला ख़त्म होता है और अगले साल के लिए मुलतवी किया जाता है ये प्रोग्राम। और इंशाल्लाह अगले साल फिर मुलाकात होगी, फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर ये सारे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, फिर सारे लोग जुड़ेंगे एक दूसरे से। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।